अस्सलाम वालेकुम जी, आईयूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं अतरला शारी और आज प्रोग्राम हुआ इंतहाई खूबसूरत सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम की जो 56वीं बरसी थी उसके हवाले से, इसी हवाले से बात करेंगे। यहां पर मौजूद हैं साहबजादा उस्मान दाऊद अब्बासी साहब भी यहां पर मौजूद हैं और हिजाइनस प्रिंस भावल अब्बास अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वर्दी वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपको खुश आमदीद कहते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से और ओवरऑल जो आज बातें हुई आपके फोर फादर्स के हवाले से जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, क्या कहेंगे सर? आई थिंक जी नवाब सादिक ने बहुत कुछ किया था इस मुल्क के लिए और ख़ास तौर पर स्टेट के लिए। मैं वाइस चांसलर साहब और यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करूँगा कि फाइनली कोई उन्हें रिकगनाइज कर रहा है और ये सादिक चेयर बनाई गई है। आई थिंक ये जो आपका आइडिया है डॉक्यूमेंट्री और मूवी का, इट्स वेरी गुड। इंशाल्लाह इस पे इफ़ यू नीड माई हेल्प प्लीज़ लेट मी नो एंड आई थिंक इट्स अ गुड मूव टूवर्ड्स प्रोग्रेस। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? मैंने तो पहले भी अपने स्टेज की तकरीब पे भी मैंने ये कहा था कि फाइनली एक पाकिस्तान के मोहसिन के बारे में उनको लाइमलाइट में लाया जा रहा है और वो हीरोज़ जिनको इन्होंने मस्क किया हुआ था उनको फाइनली अभी उजागर गेन एंड आई अगेन एज माई नेव्यू सेड के वी सी साहब और इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने जो स्टेप्स लिए हैं और उनको एक्चुअली सही स्टेटस एंड हिस्ट्री देने के लिए वेरी कमेंडेबल और इंशाल्लाह जो हमारे घरानों से इस एफर्ट को मज़ीद ऊपर ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वील ऑलवेज देयर टू गाइड एंड हेल्प एंड वेर एवर वॉट एवर वी कैन डू विल डू। यकीनन ऐसे। सर क्या कहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से और उनके जो आगे नस्ल है जिनकी आज हम बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, सर क्या कहेंगे? जी आज जैसे मैंने कहा कि ये एक तजदीद अहद का दिन है। सर सादिक मोहम्मद ख़ान द फिफ्थ एक ग्रेट पर्सनैलिटी थे और दुनिया के लेवल पे जो एज़ अ रूलर एक बहुत बड़ी रियासत उन्होंने न सिर्फ उसको रूल किया बल्कि एक एग्जेम्पलरी वे में उस रियासत को डेवलप किया एक वेलफेयर स्टेट में और एक ऐसा बैरन लैंड जिसके जिसमें जहां ज़िंदगी का वजूद ख़तरे में होता है उसको एक ग्रीन रेवोल्यूशन की उन्होंने बुनियाद रखी सतलज वैली प्रोजेक्ट से। तो वो एक रियल एग्ज़ाम्पल हैं कि प्लानिंग और एक्शन की और कमिटमेंट टू लॉफ्टी आइडियल्स की और एक ऐसे विजन की कि जिसके लिए जनरेशन्स को काम करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक रोल मॉडल पर्सनैलिटी थे। उनके कारनामों का जो जिक्र हुआ उसमें हम पूरी तरह उनका इहाता तो नहीं कर सकते लेकिन ये है कि उससे इंस्पिरेशन लेके हर साल मैं समझता हूँ कि डिफरेंट थीम्स पे जब हाईलाइट होंगी तो हम मज़ीद उस पर इंस्परेशन लेंगे। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो सर सादिक चेयर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बनाई गई है उसमें आउटपुट निकले जो एक लार्जर नेशनल स्केल पर, क्योंकि नवाब सर सादिक ख़ान द फिफ्थ सिर्फ हमारे लिए इंस्परेशन नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो पाकिस्तान के आइडिया पे बिलीव रखते हैं, जो क्लासिक इस्लामिक सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस और उस वर्ल्ड व्यू पे बिलीव रखते हैं कि जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक लेकर आया था कि एक ऐसी तहजीब जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी हो, वर्ल्डली गुड भी हो और गुड ऑफ़ द हेयर आफ्टर भी हो। तो ये उसके लिए एक रोल मॉडल पर्सनैलिटी, रोल मॉडल स्टेट थी और उसका रिवाइवल और उन आइडियाज़ का रिवाइवल उसके लिए ये सारी एक्टिविटी आज हमने की थी और इसको आगे इसको हमने बढ़ाना है और पूरे मुल्क में नेशनल लेवल पे लेकर जाना है। यकीनन ऐसे ही है। और आईयूबी न्यूज़ से फिलहाल तक के लिए इतना ही। अतला शारी को इजाज़त अल्लाह ने के बाद।